Shoga. Wow, I'm impressed. ये तो अभी कुछ भी नहीं है जंगकुक. अभी आधे से ज़्यादा लड़कियाँ तो कॉलेज आई नहीं है. कोई बात नहीं, मुझे मेरा काम करने से मतलब है. क्या लक है जंगकुक तेरा. हमें देख, हमें तो एक भी नहीं पूछती और तेरे लिए इतनी लंबी लाइन रोज लगती है. आखिर तुझ में ऐसा क्या है जो सभी लड़कियाँ तेरे साथ डेट करना चाहती हैं. क्योंकि मैं सबसे डिफरेंट हूँ एंड लोगों को यूनिक चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं. जंगकुक में अकड़ बहुत है. आरएम अकड़ तो होगी ना, उसके बाप का जो कॉलेज है. जंगकुक प्लीज़ तुम मुझे डेट करो ना. नहीं जंगकुक, तुम इसकी बात मत सुनो. तुम प्लीज़ मेरे साथ डेट करो. आई स्वेयर मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगी. और मेरे डैड भी बहुत ज़्यादा रिच है. तुम ठीक हो मेरे लिए क्या. मैं सच में. हाँ, क्योंकि तुम इन सभी लड़कियों में से सबसे ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो. चलो मेरे साथ. वाह, मज़ा आ गया. जंगकुक ने मुझे चूज़ किया. अब मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी. क्या बोला तुमने. देखो तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड रोज बदलता हूँ. और तुम मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ आज के लिए हो. क्योंकि मुझे रोज रोज एक ही चीज़ को टेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद. क्या क्यों, तुम्हें नहीं पता तुम क्या नहीं हो इस कॉलेज में. पर मुझे लगा जंगकुक कि उन सभी लड़कियों में और मुझ में डिफरेंस है. मैं बहुत रिच हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हूँ. तो क्या तुम मुझे ज़्यादा टाइम के लिए डेट नहीं कर सकते. एज योर विश. अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो मैं किसी और लड़की को चूज़ कर लेता हूँ. अरे नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ. एक बार ये मेरे साथ एक रात बिता ले, फिर मैं इसे खुद अपना बना लूँगी. इतना अच्छा चांस मुझे गंवाना नहीं चाहिए. ठीक है जंगकुक, चलो चलते हैं. सॉरी गर्ल्स, अब तुम लोग जा सकते हो. कल आना. चलो कल आकर ट्राई करेंगे, शायद कल हमें जंगकुक चूज़ कर ले. तुम लोग उसके पीछे क्यों पागल हो, हम भी तो हैं ना. क्या तुम लड़कियां हमें नहीं चूज़ कर सकती हो. क्या तुम्हें उस जंगकुक को ही डेट करना है. तुम लोगों को तो पता है वो एक दिन से ज़्यादा गर्लफ्रेंड बदल देता है. तुम अपना मुंह बंद रखो और जंगकुक के बारे में ऐसा मत बोलो. वो इस कॉलेज का सबसे हैंडसम और हॉट लड़का है. चलो शुगा, इन पागलों को समझाने से कुछ नहीं होगा. काश मेरी वाली भी इस जंगकुक के पीछे क्रेजी ना हो. वो अलग हो, आई होप सो. क्योंकि इस कॉलेज में तो नहीं लगता कि कोई भी लड़की जंगकुक को इग्नोर करेगी. और उसके रहते हम तो सिंगल से मिंगल नहीं हो सकते. चलो कैफेटेरिया चलते हैं. क्या बात है जंगकुक, मुझे नहीं पता था कि हमारे कॉलेज में इतना अच्छा क्लासरूम भी है. हाँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं आ सकता हूँ. ये सिर्फ मैंने अपने लिए अरेंज करवाया है. तो तुम यहाँ पर आकर. हाँ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें. नहीं, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते रहते होंगे. नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आएगा क्योंकि सभी को पता है यहाँ पर कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है. अब तुम अपना काम शुरू करो, मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता. पर जंगकुक, हमें थोड़ी बातें तो करनी चाहिए ना. क्योंकि तुम्हें ये न्यू लॉन्च हैंडबैग नहीं चाहिए जो कोरिया की सबसे फेमस एक्ट्रेस के पास है. क्या इतना एक्सपेंसिव हैंडबैग तुम्हारे पास कैसे. तुम भूल गई हो, इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव नहीं है. मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ. ठीक है जंगकुक, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ. एक बार फिर से सोच लो. मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बाद में ये बोलो कि मैंने तुम्हें फोर्स किया. तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ ये सब करने के लिए तैयार हो तो मैं शुरू करूँगा. हाँ जंगकुक, तुम प्लीज़ शुरू करो. अभी आँख से गया नहीं तेरा नशीला बदन. रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही. रात का नशा अभी आँख से गया नहीं. रात का नशा अभी आँख से गया नहीं. पानी के
थक चुकी हूँ मैं। मैं क्या करूँ, मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ तुमसे। पर जंगकुक और डैडी, तुमने 5 राउंड ले लिए, अब बस भी करो ना। तुम चिंता मत करो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारा पैसे दूंगा। जंगकुक प्लीज, इट्स हर्टिंग मी, प्लीज जेंटल। मैंने तो तुमसे बोला था पहले सोच लो, क्योंकि मैं कभी भी जेंटल नहीं रहता हूँ। मॉम डैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली मैं अपने होम टाउन वापस आ गए पूरे 10 साल के बाद। वैसे बेटा, आज तुम्हारे कॉलेज का दिन है, तुम लेट हो जाओगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं डैड, आप परेशान मत होइए, मैं चले जाऊँगी। अरे मेरा ऑफिस भी उसी रास्ते में पड़ता है। हाँ दे, तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़ देंगे, और आज तुम्हारा फर्स्ट डे है सियोल में। ओके मॉम, अपना ध्यान रखना, चलिए डैड। क्या बात है जिमिन, किसी का वेट कर रही हो क्या? हाँ जिम, तुम्हें पता है मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड, आज मैं उसे पूरे 10 साल बाद मिलने वाली हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तुम्हें पता है जब वो 10 साल की थी, उसके डैड का ट्रांसफ़र हो गया था और वो बुसान चले गए थे, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं और वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली है, वो शायद आने वाली होगी। ओके, मैं भी एक्साइटेड हूँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए। हाँ, तुम्हें पता वो बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। देखो वो आ भी गई। हेलो जिमिन, कैसी हो तुम? हाय ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, और अंकल आंटी कैसे हैं? सब ठीक है, तुम बताओ? सब कुछ ठीक है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया थे, और मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गई हूँ ना, हम बहुत मज़े करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम एक साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। इससे मिलो ते, ये मेरी फ्रेंड है जिन। हेलो, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। थैंक यू, तुम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो ते। चलो अब हम क्लास चलते हैं, ठीक है? वाओ, कितनी ब्यूटीफुल लड़की है, लगता है यहाँ पर नहीं है। मुझे भी लगता है, पर अगर जंगकुक ने इसे देख लिया तो पता नहीं इसका क्या करेगा। गॉड प्लीज, इस लड़की को जंगकुक से बचा कर रखना। ते, तुम यहीं पर वेट करो, हम दोनों अभी वॉशरूम से आते हैं। ओके। जंगकुक प्लीज़ छोड़ दो मुझे, इट्स हर्टिंग मी, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। प्लीज़ अब बस करो, छोड़ो मुझे। ये इस क्लासरूम से किसकी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है किसी को हेल्प की ज़रूरत है। ये दरवाज़ा तो बाहर से लॉक है, मैं इसे कैसे खोलूँ? इस पर तो ताला लगा है। आइडिया, मेरी हेयर पिन से मैं इसे खोल सकती हूँ। मैंने बोला ना, मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ, और मैं तुम्हें इसके लिए बहुत सारे पैसे दूंगा, अब चुपचाप लेटी रहो। हाउ डिस्गस्टिंग, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम एक लड़की का रेप कर रहे हो, यू परवर्ट। अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम यहाँ पर आई कैसे? तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की के साथ तुम इतना गलत कर रहे हो। ये लड़की तुम कौन हो, और जाओ यहाँ से। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और मैं उसके साथ अपनी मर्जी से ये सब कर रही हूँ। सीरियसली, भाड़ में जाओ तुम लोग। और तुम लोगों को शर्म नहीं आती कॉलेज में ये सब करते हो? शेमलेस पीपल। जंगकुक, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बोला? पर जंगकुक, तुम मेरे बॉयफ्रेंड ही तो। शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उस लड़की के सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बोला? पर तुमने तो बोला था कि आज हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ओह जस्ट शट अप, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी डिज़ायर पूरी कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। और हाँ, ये रखे पैसे, मैं जा रहा हूँ। पर जंगकुक, बात तो सुनो मेरी, हम फिर कब मिलेंगे? कभी नहीं। अब तुम मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, क्योंकि एक बार मैं जिस लड़की को डेट करता हूँ, उसके बाद मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। तो तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमने तुम्हें बोला था कि तुम यहाँ पर हमारा वेट करो, पर मुझे किसी की आवाज़ आई, मुझे लगा किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है। और जब मैं उस रूम में गई, क्या तुम उस रूम में गई थी? तो तुमने ऐसा क्यों किया? एक लड़की की आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा उसको हेल्प की ज़रूरत है, पर वहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही थी। तुम्हें पता है, एक बदतमीज़ लड़का और एक लड़की बहुत गलत कर रहे थे वहाँ पर। आई मीन, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो भी कॉलेज में भी। तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर वो लड़का मिले ना तुम्हें, तो तुम उसे इग्नोर कर देना, ठीक है? वो बहुत ही बड़ा प्लेबॉय है, लड़कियाँ उसके लिए क्रेजी हैं। और जो लड़की उसके साथ थी, वो अपनी मर्जी के साथ उसके साथ गई होगी। तो तुम प्लीज़ इन सब से दूर रहना, ठीक है जिमिन? मैं ध्यान रखूँगी। वैसे जंगकुक, आज का दिन कैसा गया तुम्हारा? आज कितने राउंड लिए तुमने? मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया। किसने? एक लड़की ने आकर, वो बिना लॉक किए अंदर आ गई और मुझे इतना कुछ सुनाकर वहाँ से चली गई। पता नहीं कौन थी वो, लगता है मुझे अच्छे से जानती नहीं है।
और तुम लोगों को पता है आज वाली लड़की बहुत ज़्यादा चिपकू थी, वो तो सोच रही है कि मैं उसे डेट करूँगा और उसके साथ शादी करूँगा। इतनी बेवकूफ़ है वो लड़की। वैसे शुगा मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। मैंने जिस लड़की के बारे में तुम्हें बताया उसके बारे में पूरी डिटेल्स निकालो, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, पर तुम्हें उससे क्या करना है? मैंने बोला ना चंकुक प्लीज़, मुझे पता है कि वो कौन लड़की थी, वो न्यू है, प्लीज़ वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। मैंने जितना बोला उतना करो। हाँ जंगकुक, शुगा सही कह रहा है, वो तुम्हारी टाइप की नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लड़की है। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं करोगे तो मैं खुद पता कर लूँगा उसका। लगता पिज़्ज़ा आ गया। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। तो बताओ कल का दिन कैसा था तुम्हारा कॉलेज में? बहुत अच्छा था। आपको पता है मुझे जिमिन मिली थी। अच्छा, कैसी है वो? बहुत बड़ी होगी होगी ना? हाँ मॉम, और उसकी एक फ्रेंड है जेन, वो भी बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है बेटा, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम्हारे डैड तुम्हें कॉलेज छोड़ देंगे। ओके मॉम। जंगकुक प्लीज़, मैं कितने टाइम से इस लाइन में खड़ी रहती हूँ, तुम प्लीज़ मुझे चूज़ कर लो आज के लिए, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ प्लीज़। ठीक है आ जाओ। अरे दे तुम आ गई, क्या तुम्हें अंकल ड्रॉप करने के लिए आए थे? हाँ, वो डैड का ऑफिस इसी रास्ते में पड़ता है तो इसीलिए वो मुझे छोड़ने के लिए आ गए। ओके जंगकुक, अब क्या कर रहे हो यहाँ पर? जाओ अपना काम करो। हाँ जा रहा हूँ, मुझे लगता तुम किसी का वेट कर रहे हो। नहीं मैं किसी का वेट नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रेंज है, मैंने सोचा था कि वो लड़की भी आज लाइन में लगी होगी, पर वो नहीं आई, काफ़ी ज़्यादा अकड़ है उसमें। अरे वो तो अब आ रही है। ये लड़का इतना ज़्यादा घटिया है, कॉलेज में स्मोक करता है। वैसे जिन आज क्या कॉलेज में वोटिंग्स है? नहीं तो फिर इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है? अरे ते हम तुम्हें बाद में बताएंगे। इसने मुझे देखा भी नहीं और इग्नोर करके चली भी गई। देखता हूँ कब तक इग्नोर करती है मुझे। मन ही मन पसंद तो मुझे करती होगी, बस दिखाना नहीं चाहती। ते क्या बात है, तुम यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रही हो? हाँ जिमिन, एक्चुअली मेरे मॉम डैड ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और वो लड़का आज मुझे मिलने के लिए कॉलेज में आने वाला है, पर ये जगह कुछ ज़्यादा ही अलग नहीं है, मतलब तुम लोगों को कहीं रेस्टोरेंट में जाकर मिलना चाहिए ना, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए हम यहीं पर मिल लेंगे। कोई बात नहीं, लगता है वो आ गया। वाओ ते, लड़का तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। ठीक है तुम मुझसे बात करो, हम चलते हैं। ओके हेलो, मेरा नाम सुबिन है। हाय, तुम ते हो ना? जी। कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम फ़ोटो से ज़्यादा रियल लाइफ में सुंदर लगती हो। थैंक यू सो मच। ओके तो तुम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो? हाँ, मॉम डैड ने बताया था कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। एक्चुअली मुझे भी एक ऐसी लड़की की तलाश है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, केयरिंग हो और अंडरस्टैंडिंग भी हो। वैसे हम वहाँ पर बैठकर बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए ना। जंगकुक प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम इतना ज़्यादा रफली नहीं हो सकते मेरे साथ। क्यों, तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक था ना मुझे डेट करने का? आज के लिए तो मेरी गर्लफ्रेंड बनी हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा अजीब हो। अजीब से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ सुन लड़की, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे इग्नोर करे। वेल, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ये यहाँ पर क्या कर रही है और इस लड़के के साथ? क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है? क्या हुआ जंगकुक, क्या सोच रहे हो? तुम दोनों तो बोल रहे थे कि ये लड़की बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, देखो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे हंस हंस के बातें कर रही है ये। वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है जंगकुक। अच्छा तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना था, जिमिन और जिन की बात सुनी थी मैंने, वो कह रही थी कि देखा उस लड़के के साथ रिश्ता पक्का हो गया और वो बस उससे मिलने के लिए आया था। क्या उसका रिश्ता पक्का हो गया? इसका मतलब कि वो इस लड़के के साथ शादी करने वाली है? जंगकुक तुम उन दोनों को ऐसा क्यों देख रहे हो गुस्से से? कहीं तुम्हें तेज से प्यार तो नहीं हो गया? कैसी बकवास कर रहे हो तुम, मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता, बस मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे इग्नोर करे। मैं अभी आता हूँ। तो बताओ ते तुम्हें क्या क्या पसंद है? सबिन मुझे सॉरी ते बेबी, कब से वेट कर रही हो मेरा, आई एम सो सॉरी बेबी। मैं वो थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था ना, इसीलिए बस लेट हो गया। तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? ते ये कौन है? लगता है तुम ते के भाई हो। हेलो साले साहब। जंगकुक ये क्या बदतमीजी है, जाओ यहाँ से। ते मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ ना। अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारी बॉडी में कोई पेन तो नहीं हो रहा? तुम ठीक से चल पा रही हो ना? अगर देखो तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा के तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो और तुम कैसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? ते बताओ ना अपने भाई को। वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा फ्यांसे है, और तुम यहाँ से जाओ। अच्छा ते सॉरी ना, आई नो जान, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था।
आई नो ते कि मैंने तुम्हें बोला था कि हम दोनों पूरी रात इंटीमेट होंगे, पर तुम भी ना समझो कि हमारे पास ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं थी, इसीलिए मैं 5 राउंड में ख़त्म करना पड़ा। तुम फिक्र मत करो, आज मैंने बहुत सारी प्रोटेक्शन खरीद ली है। आज हम पूरी रात नहीं सोएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम, जाओ यहाँ से। ते क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं सुबिन, ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, ये कॉलेज का प्ले बॉय है। देखो अगर ते तुम्हें नहीं जानती तो तुम क्यों आकर हमें डिस्टर्ब कर रहे हो? ते तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ। आई सेट निकलो यहाँ से। फिर इतनी हिम्मत, मैं तुझसे कब से इतने प्यार से बात कर रहा हूँ क्या तुझे समझ नहीं आती? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। और मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो तुम आज लाइन पे क्यों नहीं आई थी? तुम्हें पता है अगर तुम उस लाइन में होते मैं तुम्हें चूज़ करता और तुम्हें बहुत सारे पैसे देता सिर्फ एक दिन के लिए। तेरी हिम्मत कैसे, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, शेमलेस, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बकवास कर रहे हो तुम। सबिन रुको प्लीज़, देखो मेरी कोई गलती नहीं है, वो आकर झूठ कह रहा था, मैं उसे नहीं जानती हूँ। मुझे बस उसके बारे में इतना पता है कि वो इस कॉलेज का प्ले बॉय है, वो रोज़ गर्लफ्रेंड बदलता है, मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक, तुम शांत हो जाओ, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है ये अमीर बाप की औलाद बिगड़ी हुई होती है, ये पैसे पर किसी को भी सोचते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, पर तुम चिंता मत करो, आई एम ग्लैड कि मैं तुमसे मिला हूँ, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू सुबिन मुझ पर यकीन करने के लिए, कोई बात नहीं। आर्मी, जब जंगकुक ने टेक के साथ ऐसी हरकत की थी तो उसके बाद सुबिन और उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि टेक कॉलेज में जाए और उसे जंगकुक मिले, इसलिए उसका कॉलेज जाना बंद करवा दिया गया था और वो घर से ही स्टडी कर रही थी। लेकिन जंगकुक अब बहुत ज़्यादा सैड रहने लगा था और वो अब लड़कियों के साथ वो सब करना भी बंद कर चुका था। इवन वो उन्हें अपने बस रूम में लेकर जाता था, उनके साथ कुछ भी नहीं करता था। जंगकुक क्या हुआ, किसी का वेट कर रहे हो क्या? लगता है वो आज भी नहीं आएगी कॉलेज। क्या हुआ बताओ, किसी का वेट कर रहे हो क्या? नहीं तो फिर इधर आओ, देखो आज भी इतनी लंबी लाइन लगी है तुम्हारे लिए, तुम चूज़ कर लो। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, उस लड़की को भी भेज देना। निक पर्सनल क्लासरूम में जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो जिन और जमीन को देखकर उनकी बात को सुनने लगता है। तुम्हें पता है जिन, देखी शादी होने वाली है? क्या, पर कब? 1 हफ्ते में। और हाँ प्लीज़ तुम इस बात को किसी को भी मत बताना, मैंने मना किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लगता है उसी लड़की से तेरी शादी होने वाली है। हाँ तो फिर आज हम क्लास के बाद शॉपिंग के लिए चलते हैं, तेरे के लिए अच्छा सा गिफ्ट भी खरीद लेंगे और अपने लिए शॉपिंग भी कर लेंगे। यस यू राइट। क्या तेरी शादी करने वाली है? पर वो लड़का तेरे से शादी करने के लिए अभी भी तैयार है, पर क्यों? मैंने तो उससे इतना सब बोला था, मैंने सोचा कि तेरे का रिश्ता उस लड़की के साथ टूट गया होगा। नहीं, मुझे तेरे से मिलना होगा, उससे बात करनी होगी। पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? वैसे भी मैं तो वो इंसान हूँ, एक बार जिस लड़की को देख लेता हूँ उसके बाद वो किसके साथ क्या कर रही है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? कहीं मैं उससे प्यार तो नहीं करता? नहीं नहीं, पर नहीं, मैं आज तेरे से मिलकर ही रहूँगा। और 1 महीने बाद कॉलेज जा रही हूँ, भगवान जी प्लीज़ मेरा कल का एग्जाम अच्छे से हो जाए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर आए कैसे? विंडो से आया हूँ। जाओ यहाँ से, देखो अगर मेरे मॉम डैड ने देख लिया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। आई डोंट केयर। तुम 1 महीने से कॉलेज नहीं आई हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे घर में आना पड़ा, पता कितनी मुश्किल से मैं आया यहाँ पर। तुम ये बताओ क्या तुम बीमार हो? नहीं, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? क्या तुम शादी करने वाली हो? तुम्हें उससे क्या, बताओ तुम शादी करने वाली हो उसी लड़के से? हाँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम शादी नहीं कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती मैं शादी? और तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले? थे तुम शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। क्या बकवास कर रहे हो, पहले भी तुमने मेरी शादी को तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया था, पर थैंक्स टू सुबिन जिसने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। अब जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ते मेरी बात सुनो, मत करो शादी प्लीज़। तुम्हें पता है 1 महीने से मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। मत करो शादी प्लीज़। आई नो कि मैं प्ले बॉय हूँ, तुम मुझसे नफरत करती हो और मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, मैं बहुत ज़्यादा जेलिस हो गया था ते, पर आई स्वेयर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्यार और तुम, इसकी बात तो तुम करो मत जंगकुक। तुम्हें प्यार का क्या मतलब जो हर रोज़? जी जी मुझे बोलने में भी शर्म आती है ते, मुझे पता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा हेट करती हो, लेकिन तुम्हें पता है मैं पहले ऐसा नहीं था। 1 मिनट, तुमने ड्रिंक की हुई है? हाँ मैंने ड्रिंक की है। यू नो व्हाट ते, जब अपने हाई स्कूल में था
तब मैं एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो मेरे लिए पूरी दुनिया थी। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं उसके लिए बहुत कुछ करता था। लेकिन एक दिन मैंने उसे अपने क्लासमेट के प्रेसिडेंट से बात करते सुना कि वो मेरा यूज़ कर रही है क्योंकि मैं रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ और वो सब मेरे साथ चीटिंग कर रही थी। उसने मेरे इनोसेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अब लोगों को अपना दिल नहीं तोड़ने दूँगा, मैं उनके सामने अब ऐसा ही बनकर रहूँगा। सच में थे, आई लव यू, आई नो थे कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, पर प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। तुम आई स्वेयर मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे साथ सच्चा प्यार करता हूँ। थे तुम जाओ यहाँ से जंगकुक, मेरे डैड आ जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। थे प्लीज़ एक चांस देकर देखो मुझे प्लीज़। ठीक है मैं कल कॉलेज आऊँगी। ठीक है थे, तो मैं तुम्हारा उसी जगह पर वेट करूँगा जहाँ पर हम दोनों पहली बार मिले थे। उस जगह पर तुम फिक्र मत करो थे, तुम जैसा सोच रही हो वैसा मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, तुम्हारी बॉडी से नहीं। ठीक है जंगकुक, अब तुम यहाँ से जाओ। पिछले 20 मिनट से मैं जंगकुक का वेट कर रही हूँ, अभी तक वो आया क्यों नहीं? हाँ जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो हमें यहाँ पर ज़रूरी बात करनी थी, तुम ये सब मत करो, तुमने बोला था कि तुम ये सब नहीं करोगे। जंगकुक हटो मेरे से, दूर हटो मुझसे प्लीज़, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम कौन हो? वाकई में जंगकुक की पसंद सबसे अलग है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मैं जंगकुक का अच्छा दोस्त नहीं हूँ, पर हाँ उसका बहुत ही बड़ा दुश्मन हूँ, क्योंकि उस जंगकुक ने ना सबका जीना हराम करके रखा हुआ है। इवन कॉलेज की सारी लड़कियाँ उसके पीछे पागल हैं और कोई भी लड़की हम जैसे लड़कों को भाव ही नहीं देती। वेल मैंने सुना है कि जंगकुक तुम्हें लाइक करता है, तुम उसका क्रश हो। बहुत स्ट्रेंज है, जंगकुक और तुम पर इतना ज़्यादा प्यार क्यों दिखा रहा है? कुछ तो अलग होगा। चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ, हटो मुझसे, कौन हो तुम? ये तुम क्या कर रहे हो मुझे? रिलैक्स बेबी, तुम्हें ड्रग्स दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। नहीं तुम गलत कर रहे हो, दूर हटो मुझसे, रिलैक्स। हम पहले किससे स्टार्ट करेंगे? नहीं हटो मुझसे दूर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। मैं जंगकुक का वेट कर रही हूँ, जंगकुक आने वाला होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? मैं क्यों इसके किसका रिस्पॉन्स कर रही हूँ? छी ये बहुत गलत है, नहीं मुझे नहीं करना चाहिए ये। ये तुम क्या कर रही हो उसके साथ और ये कौन है? सॉरी जंगकुक, हम वो लॉक करना भूल गए थे, वैसे ये तुम्हारी जगह है, क्या तुम एक दिन के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हो? वो क्या है ना, ते को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है तुमसे। व्हाट द हेल, ते ये कौन है? क्या लगता है तुम्हारा, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रिलैक्स जंगकुक, ज़रूरी नहीं है कि जिसको तुम पसंद करते हो वो भी तुम्हें पसंद करे। ते और मैं रिलेशनशिप में है, और अब तुम यहाँ से जाओ, हमें किस करने दो। तुम हटो ते से, और ते मैंने तुमसे एक चांस मांगा था, तुमने मेरे साथ ये सब किया, तुम इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था लेकिन फिर भी तुमने मुझे हर्ट किया। चलो ते अब मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर जंगकुक ते को अपनी कार में ले जाकर उसे अपने फार्म हाउस में लेकर जाता है। बिलीव नहीं होता थे कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल सकती हो, क्या तुम भी मेरे साथ पैसों के लिए आना चाहती थी, इसलिए तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझे एक चांस देना चाहती हो? नहीं थे, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे धोखा देने का, मेरे साथ खेलने का। कितने टाइम से तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, बताओ मुझे। ते आंसर मी, जंगकुक प्लीज़ मुझे हर्ट मत करो, मुझे बताओ ते कितनी बार उसने तुम्हें छुआ, आखिर कितनी बार सेक्स किया, बताओ मुझे ते, आंसर मी, हाउ मेनी टाइम्स ही फक्ड यू ते। ठीक है मत बताओ, अब मैं तुम्हें बहुत बुरी पनिशमेंट देने वाला हूँ, आई विल फकिंग यू ते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँगा, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। जंगकुक डोंट डू दिस प्लीज़, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हें उसे किस करते हुए देखा है ते, मैं क्या सोचूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। नहीं जंगकुक प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शट अप ते, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के दिलों के साथ खेलने का, एटलीस्ट मैं तुम्हारे जैसा तो नहीं था, मैं लोगों को बताकर
उन्हीं के साथ वो सब करता था, उन्हें छोटी उम्मीद नहीं देता था। तुमने मुझे चीट किया थे, अब बताऊंगा मैं तुम्हें, कल दोपहर तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा थे। बेबी गर्ल, तुम रो क्यों रही हो? लगता है मैं तुम्हें अभी सेटिस्फाइड नहीं फील करा सका हूँ ना। तुम फिक्र मत करो, हम और सेक्स करेंगे जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो जाती हो। वैसे तो ये बताओ, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड अच्छा है सेक्स करने में या फिर मैं? बताओ, ऐसे रो मत प्लीज। अच्छा ये बताओ कि वो तुम्हें किस तरीके से टच देता है? तुम्हें उसका टच बहुत पसंद है क्या? क्या मैं उतना अच्छा नहीं था? ठीक है, हम फिर से ट्राई करते हैं। चंगू प्लीज अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें सच्चाई का नहीं पता। तुम प्लीज ऐसा मत बोलो। अरे तुम रो क्यों रही होते बेबी? प्लीज ऐसे मत रो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। वैसे बताओ ना मुझे कि मैं अच्छा हूँ या फिर वो अच्छा है, कौन सबसे ज्यादा अमेजिंग है तुम्हारे साथ सेक्स करने में, बताओ ना। चंगू प्लीज अपना मुंह बंद रखो, ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत गंदा महसूस हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा था जब मैंने तुम्हें उसके साथ किस करते हुए देखा था, मुझे भी बहुत बुरा लगा था। आखिर मैंने गलती क्या बोला? बताओ ना तुम्हें कौन सी पोजीशंस पसंद है। मैं ट्राई करूँगा तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के जैसा टच देने में। मुझे पता है तुम उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हो ना, क्योंकि तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर मैं नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता ना, और तुम उसके लिए मौन करती ना कि मेरे लिए। जंकुक जस्ट शट अप, बकवास बंद करो। ठीक है ती, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चलो फिर से करते हैं। नहीं जंकुक प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज हाँ बस करो, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तुम पूरी रात से मेरे साथ ये सब कर रहे हो, क्या हुआ ते इतनी जल्दी थक गई तुम? प्लीज जंकुक तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, प्लीज छोड़ो मुझे, मैं दर्द के मारे मर जाऊँगी। क्यों क्यों ते, बताओ मुझे क्यों क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? और तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? उसके साथ तुम सेक्स कर सकती हो, पर मेरे साथ तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्लीज़ जंकुक छोड़ दो मुझे, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अब ते, अब तुम मेरे बारे में भले जो मर्जी सोचो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ तुम खेली हो। प्लीज़ जंकुक मेरी शादी है सुबिन से, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम्हारी शादी का भूत तो मैं निकालूंगा, देखता हूँ अब वो तुमसे कैसे शादी करता है। ते क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, बताओ मुझे आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं फिर से तुमसे प्यार करने लगा था, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हें पागलों की तरह प्यार करने लगा। यू नो व्हाट, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैंने लड़कियों के साथ इंटीमेट होना भी बंद कर दिया। एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ, सभी के सामने तुम भोली बनने का नाटक करती हो और पीठ पीछे तुम ये सब करती हो। मुझे बताओ तुम कब से उसको डेट कर रही हो, कब से तुम दोनों के बीच में ये सब चल रहा है, बताओ ते। जंकुक प्लीज ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ मत बोलो ते, मैंने तुम्हें खुद देखा है, वो तुम्हें किस कर रहा था और चुप तुम चुपचाप वहाँ पर खड़ी थी, उसकी किस का रिस्पॉन्स कर रही थी तुम। प्लीज जंकुक मेरी बात का यकीन करो, वो सच नहीं था। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ ते, तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं पागल नहीं हूँ जो देख कर भी अनदेखा करूँगा। बताओ मुझे तुम दोनों कब से एक दूसरे से रिलेशनशिप में हो, कितनी बार तुम दोनों करीब आ चुके हो, कितनी बार तुम दोनों ने रात बिताई है, हाउ मेनी टाइम्स यू फक्ड बाय हिम। प्लीज़ जंकुक ऐसा मत बोलो, क्यों बुरा लग रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ इवन तुमने तो ये किया है। आई हेट यू ते, आई हेट यू। नो जंकुक प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, मैंने कभी नहीं सोचा था ते कि मैं फिर से किसी लड़की को इतना प्यार करूँगा, उसे इतना चाहूँगा। मैंने सोचा था कि हम दोनों शादी करेंगे, हैप्पी हैप्पी रहेंगे, शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँगा, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत था, मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या हुआ, ये तो बेहोश हो गई ते, उठो अपनी आंखें खोलो ते, ते मैं बोल रहा हूँ उठो, देखो बहुत हुआ, बंद करो ये नाटक, उठो ते। फिर जंकुक डॉक्टर को कॉल करता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बेहोश हो गई थी, और डॉक्टर फिर देखो चेक करता है। क्या हुआ डॉक्टर, सब तो ठीक तो है ना? जंकुक तुम ये कैसा कर सकते हो, पर क्या हुआ डॉक्टर, ते ठीक तो है ना? तुमने उसे लास्ट नाइट इतना ज़्यादा फोर्स किया, प्लीज
वक्त उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसके साथ ऐसा कर सकते हो। क्या हुआ डॉक्टर, ठीक से बताओ मुझे, तुम उसे ड्रग्स कैसे दे सकते हो? क्या ड्रग्स? हाँ, उसे ड्रग्स दिया गया हैवी डोज में। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस सिचुएशन में इंसान अपने सोचने और समझने की क्षमता खो बैठता है क्या? हाँ प्लीज़, इसका अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ, इसे प्लीज़ कुछ टाइम तक फोर्स मत करना। ओके डॉक्टर, थैंक यू। इसका मतलब कि तेरे ठीक कह रही थी, उसकी कोई गलती नहीं है। उस लड़के ने तेरे को ड्रग्स दिया था और उसकी हालत में वो तेरे के साथ वो सब कर रहा था। और शिट, मैं इतना बेवकूफ़ी भरा काम कैसे कर सकता हूँ? मैंने तेरे के ऊपर क्यों नहीं भरोसा किया? वो बेचारी रोती रही, चिल्लाती रही। मुझे तेरे से मिलना होगा, मैं उससे सॉरी बोलूँगा उन सब के लिए। ते तुम उठ गए, तुम ठीक हो ना? तो हटो मुझसे जंगू। सॉरी ते, मुझे पता है मेरी गलती है, तुम्हें ड्रग्स दिया गया था, बहुत जल्दी पता चल गया। सॉरी ते, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्यों? पूरी रात मैं तुम्हारे आगे माफ़ी मांगती रही, चिल्लाती रही, तुमने मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं किया। यू नो वॉट, उस लड़के में और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। वो मुझे ड्रग्स देकर मेरी इस हालत में मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था, और तुमने मेरे साथ रेप किया, मुझे फोर्स किया। नहीं थे, तुम ऐसा नहीं सोच सकती हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो सब मैंने तुम्हारे साथ गलत करने के लिए नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जेलिस हो गया था तुम्हें उस लड़के को किस करते हुए देख कर। चले जाओ यहाँ से जंकुक, मैंने बोला मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर ते मेरी बात तो सुनो, आई स्वेयर अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ठीक है ते, तुम रेस्ट करो, मैं बाहर लिविंग रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुमने मेरी लाइफ पर बात कर दी है, मेरी शादी होने वाली थी, अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, बिकॉज यू फोर्स मी, तुमने मुझे फोर्स किया। अब तो तुम खुश होगे ना अपने विश को पूरा करके? अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना? नहीं थे, तुम क्या कह रही हो, तुम गलत सोच रही हो मेरे बारे में। आई लव यू सो मच थे, और वो सब मेरी गलती है। जंकुक, आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। मुझे बहुत ज़्यादा सैड रहने लगता है। दोनों की लाइफ में अब बहुत कुछ बदल चुका था। ते अब खाना भी नहीं खाती थी और चुपचाप अपने रूम में पड़ी रहती थी, एक जिंदा लाश बन गई थी। ऑफकोर्स ते के साथ इतना गलत हुआ था, और जंकुक अपने आप को रोज टॉर्चर करता है। वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था कि उसने ते के साथ इतना गलत किया, जिसको वो इतना प्यार करता है उसने उसको इतना ज़्यादा हर्ट किया। सो ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। ते बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? तुम कब तक ऐसे अपने रूम में पड़ी रहोगी? मॉम प्लीज़, आप मुझे फिर से मत बोलिए कि मैं कॉलेज जाऊँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे बाहर के लोगों से डर लगता है। पर ते, तुम कब तक अपने आप को एक रूम में कैद करके रखोगी? पता नहीं मॉम, लगता है यही अब मेरा लक है, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने कोई गुनाह किया हो। गलत तो मेरे साथ हुआ है ना मॉम, तो लोग मुझे इतनी गंदी नज़र से क्यों देखते हैं? रिलैक्स थे बेटा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा डैड, अब मुझे ऐसा ही जीना पड़ेगा। हाँ शुगर, कुछ पता चला? हाँ जंकुक, हमें उस लड़के से सब कुछ पता चल गया, और वो अभी हमारे कब्जे में है। क्या बताया उसने? जंकुक, वो लड़का ईसा का फ्रेंड है, और उसने सब कुछ ईसा के कहने पर किया है, और उसने ते को ड्रग्स भी दिया था ताकि वो उसको सेंसलेस कर सके। मैं अपने ते के साथ इतना गलत कैसे कर सकता हूँ? मुझे मर जाना चाहिए। ठीक है शुगा, तुम उस लीसा और उस लड़के को वहीं पर रखो, मैं उन्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। परजन, ते की शादी फिक्स हो गई है क्या? पर किससे? जहाँ तक मुझे पता है ते की शादी तो टूट गई थी ना? हाँ, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी फिर से किसी और से फिक्स कर दी है। कौन है वो? मैंने सुना है कि वो एक 45 साल का आदमी है, और उसके 3 बच्चे भी हैं। क्या? पर ते तो उससे बहुत छोटी एज में, ये सब क्या हो रहा है? ते एक इतनी बड़ी एज वाले आदमी से कैसे शादी कर सकती है? उसकी मजबूरी है जिन, उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी फिक्स कर दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ते से कोई शादी नहीं करने वाला। क्या मेरी ते शादी कर रही है? नहीं ते, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस्टर किम हैं? जी, आप कौन? क्या हम अंदर आकर बात कर सकते हैं? हाँ आइए प्लीज़। चंकू,
तुम भी आओ अंदर बेटा। क्या जंगकुक? सॉरी, क्या हम जान सकते हैं कि आप लोग कौन हैं और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए मिस्टर किम, हमें बैठकर बात करनी चाहिए, प्लीज। नहीं डैड, आप बोलिए कि यहाँ से जाएं। हाँ मेरी बेटी ठीक कह रही है, आप यहाँ पर क्या करने आए हो? वैसे आपने, आपके बेटे ने हमारी बेटी के साथ जो करना था वो कर दिया, और आप लोग इतने ज़्यादा रिच हो कि हम आपकी बराबरी भी नहीं कर सकते, हम केस भी फाइल नहीं कर सकते आपके ऊपर। आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? जाइए अब यहाँ से, प्लीज़ मिसेस किम, हमारी बात सुनिए। देखिए हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, हमने जंगकुक को बहुत ही प्यार से पाला है और लगता है उसी का फ़ायदा उसी ने उठाया। वो पैसे में इतना अंधा हो गया कि उसको सही और गलत में कोई फ़र्क भी नहीं दिखा। उसकी तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने से क्या होगा मिस्टर जॉन? क्या मेरी बेटी, जो उसके साथ हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या उसकी शादी, जो अब टूट चुकी है, क्या उसकी शादी हो जाएगी? क्या उसका बाहर जाना आसान हो जाएगा? आपको पता है पिछले 2 महीने से वो घर में रहती है, खुद को अब रूम में कैद करके रखती है, घुट घुट कर जी रही है मेरी बेटी। हम उसे ऐसा नहीं देख सकते, और आप यहाँ पर क्या कहने के लिए आए हो? सॉरी, जाइए आप यहाँ से, और तुम निकलो यहाँ से। अंकल प्लीज़ मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए, मैं आपसे माफ़ी तो नहीं मांग सकता क्योंकि मैंने बहुत गलत काम किया, बट आई स्वेयर मेरा कुछ भी ऐसा इरादा नहीं था तेरे के साथ करने का, मैं तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, अगर तुम उसे प्यार करते हो तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और उसके लिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा हिट भी करता हूँ। आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ करने की कोशिश कीजिए, प्लीज़। मिस्टर जॉन, हमने हमारी बेटी की शादी फिक्स कर दी है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। वो हमें पता है, लेकिन आपको पता भी है कि आपने अपनी बेटी की शादी किससे फिक्स की है? एक 45 साल के आदमी के साथ जिसके 3 बच्चे हैं। आप खुद ही सोचिए, आपकी बेटी इतनी यंग है, तो हम क्या करें? ये सब आपकी बेटी का किया धरा है। अगर उस दिन वो हमारी बेटी के साथ इतना गलत नहीं करता तो हमारी बेटी की शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से होती। आई एम सो सॉरी मिस्टर किम, लेकिन हम चाहते हैं कि ते हमारे घर की बहू बने। ये आप क्या कह रहे हैं? एक तो आपके बेटे ने हमारी बेटी के साथ इतना गलत किया, और अब आप कह रहे हैं कि आपके रेपिस्ट बेटे से हम अपनी बेटी की शादी करवा दें? प्लीज़ आंटी, आप ऐसा मत कीजिए। मैंने ते के साथ रेप नहीं किया, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ज़बरदस्ती को ऐसा ही बोला जाता है, तुमने हमारी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की है। हमारी ते की शादी इन्हीं के बेटे के साथ करनी पड़ेगी। देखो अब हमारी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि तुम भी जानती हो, और मैं अपनी बेटी को ऐसे घुटते हुए नहीं देख सकता। ते बेटा, तुम ऊपर जाओ अपने रूम में, ठीक है? पर डैड, आप इनसे बोल दीजिए कि मैं इनके बेटे के साथ शादी नहीं करूँगी। बेटा तुम जाओ ऊपर। ठीक है मिस्टर जॉन, मैं ये कहना तो नहीं चाहता हूँ, पर हम मजबूरी में हैं। ठीक है, हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवा देंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर किम, आप नहीं जानते आपने ये सब बोलकर हमें कितना ज़्यादा रिलीफ फील करवाया है। थैंक यू सो मच अंकल, मैंने जो गलती की है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, और आई स्वेयर कि मैं तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, उसे बहुत ज़्यादा खुश भी रखूँगा। सो आर्मी, 1 मंथ बाद तेकुक की शादी हो जाती है, क्या हुआ? ऐसे क्या वहाँ पर खड़े हो, क्या देख रहे हो? आखिरकार तुम्हारी विश तो पूरी हो गई ना? यू नो व्हाट, मैं सोचती थी मेरे मॉम डैड मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, पर उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, पर उन्होंने भी मेरी शादी तुमसे करवा दी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं एक बोझ बन चुकी थी। अब तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे ना, तुमने जो मेरे साथ शादी जो कर ली। एक तो तुमने मेरा रेप किया, और ऊपर से अब मैं एक रेपिस्ट की वाइफ हूँ। प्लीज़ तो ऐसा मत बोलो, मैं उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। क्यों, क्या हुआ? उस दिन तो तुम्हें मैंने कितनी बार बोला था, तुमने मेरी बात सुनी थी? नहीं ना। तो अब ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें जब करने में शर्म नहीं आई तो बातें सुनने में क्यों आ रही है? अब चलो, जिस काम के लिए आए हो वो करो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, बहुत ज़्यादा खुश होगे तुम। नहीं नहीं ये सब तो तुम पहली बार कर चुके हो ना? हाँ, आज हमारी सेकेंड नाइट है, तो चलो अपना काम शुरू करो। अब तुम उतारोगे कपड़े या मैं खुद उतारूँ? ते प्लीज़ ऐसा मत बोलो। क्यों जंगकुक, मैंने क्या गलत बोला? करो ना जो तुम्हें करना है।
मैं तुम्हारा नाम लेकर मौन करूंगी, फिक्र मत करो। ए, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम अपने बारे में इतना गलत कैसे बोल सकती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी बॉडी से नहीं। अच्छा, तो उस दिन फिर क्या था? अब शर्म मत करो, इतना ज़्यादा शर्माओ मत। अभी आओ ना, मैं रेडी हूँ। और हाँ, आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज हम पूरी रात ते जंगकुक, अब तो तुमने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। ते, I'm sorry, वो मैंने बस गुस्से में आकर कर दिया। गुस्से में आकर तो तुम सब कुछ करते हो ना। ते, मेरी बात सुनो, I'm sorry, तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं, तो मैं उससे क्या? और ये दर्द तो कुछ भी नहीं है जो तुमने मुझे दिया। गुड मॉर्निंग ते, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं नहीं भूलूँगी जो तुमने मेरे साथ किया। मैं वो भी नहीं भूलूँगी जो मैंने उन दो महीनों में फेस किया। लोग मुझे किस नज़र से देखते थे। मैं खुद का चेहरा देखने के लिए भी इतना ज़्यादा डरती थी। तुम्हारे उस रात के किए हुए फोर्स की वजह से मेरी बॉडी पर अभी भी मार्क है। और तुम अब मेरे हस्बैंड होने की एक्टिंग मत करो। तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मैं तुम्हारे लिए बस एक टॉय हूँ। नहीं थे, देखो मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है और रात को मैंने तुम्हें थप्पड़ भी मारा। प्लीज़, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ डैड के साथ। और हाँ, प्लीज़ ऐसा सोचना बंद कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ उस दिन डेट किया था। नहीं, मैंने वो सब मन से किया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। भले ही मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ वो सब किया, लेकिन वो सिर्फ मैंने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया था। और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा और होना भी चाहिए मैंने काम जो ऐसा किया। वेल, अब मैं जाता हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। कैसी होते? देखो मैं घर आ गया। और ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, रख दो वहाँ पर। जब मुझे मन करेगा मैं देख लूँगी। प्लीज़ दे, ऐसा भी क्या नाराज़ की, एक बार देख तो लो। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हारी मम से पूछा था कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, और तुम्हें पता मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी लेकर आया हूँ। अब जल्दी से खा लो वरना वो मेल्ट हो जाएगी। समझ नहीं आता जंगकुक, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। क्यों बार बार मेरे सामने आ जाते हो? आई जस्ट हेट यू। और ये लो अपनी आइसक्रीम अपने पास रखो, मैं जा रही हूँ रूम में। पर ते, मेरी बात तो सुनो जंगकुक, तुमने जो किया वो बहुत गलत था, इसलिए तुम्हें टाइम तो लगेगा ते को मनाने में। कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन ते तुम्हें माफ़ कर देगी। थैंक यू डैड, मुझे चेयर अप करने के लिए। अच्छा ते, मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हारी स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो तुम कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन करती हो? तुम फिर से कॉलेज जाना स्टार्ट करो ना। ते, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। अच्छा, कल हम तुम्हारे मम डैड के घर चलें। शादी के बाद तुम कभी भी नहीं गई हो ना, तो हम कल उनके घर चलेंगे और हम जिन और जमिन को भी बुला लेंगे। काफ़ी टाइम से तुम उनसे मिली भी नहीं हो, क्या बोलती हो? और मैंने सुना है कि बहुत अच्छी मूवी आई है, तो हम वो भी देखेंगे, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, प्लीज़ अपनी बातें बंद करो। ओके ते, तुम सो जाओ, गुड नाइट। आखिर ये इंसान चाहता क्या है? क्यों अब मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैं इससे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। आई नो ते, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें मनाने में। ठीक है, उसके लिए तैयार हूँ। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और तुम्हारी माफ़ी। उसके लिए मुझे चाहे पूरी लाइफ तुम्हारे साथ माफ़ी क्यों ना मांगनी पड़े, मैं मांगूँगा, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा। कैसी हो मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ मॉम। डैड आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। अरे ते, आई मिस यू, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और मैंने भी ते, तुम दोनों कैसी हो? बहुत टाइम बाद तुम दोनों को देख रही हूँ। हाँ हम भी। अरे तुम अंदर आओ ना बेटा। जी आंटी। ये देखो तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। तुम्हें ये कपकेक्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना, स्पेशली तुम्हारे लिए वो लेकर आए हैं। थैंक्स डैड। क्या हुआ बेटा, तुम खुश नहीं लग रही, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मॉम डैड, बस ऐसे ही, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस मुझे आप दोनों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। हमें भी बेटा, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हम भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो जाता है, लेकिन जंगकुक कुछ नहीं बोलता, उन सब की बातें सिर्फ सुनता रहता है। आखिरकार वो बोले तो बोले क्या, उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी थी। अरे जंगकुक, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। इट्स ओके आंटी, वैसे भी मैं खा कर आया था। नहीं नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा।
ओके मॉम, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ते एक मिनट, तुम अपने हस्बैंड को भी तो लेकर चलो ना, वो यहाँ पर नया है, उसे नहीं पता कि तुम्हारा रूम कहाँ पर है। मैं जा रही हूँ मॉम। पर ते कोई बात नहीं आंटी, मैं ढूंढ लूँगा। आप सब लोग सो जाइए, काफ़ी लेट हो गया। ठीक है बेटा, बहुत मज़ा आया ना ते, वैसे तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, जंगकुक ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। भले ही उसने ते को फोर्स किया था, लेकिन सच में हमें पता है वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है, वो पहले की तरह नहीं है। और ये सब कुत्ते के प्यार में पढ़कर वो इतना बदल चुका है, आप फिक्र मत कीजिए। ते बहुत ज़्यादा लकी है जो उसे जंगकुक जैसा हस्बैंड मिला। आई नो उसने ते के साथ थोड़ा सा गलत किया है, लेकिन आई होप कि इन दोनों के बीच में जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, पर उसे लगता है कि हम उसे बोझ समझते थे, इसीलिए हमने उसके रेपिस्ट के साथ उसकी शादी करवा दी। नहीं आंटी, जंगकुक ने वो सब जेलसी में आकर किया था, पर ते वो भी गुस्सा है, वो धीरे धीरे समझ जाएगी जंगकुक को। ते तुम सोगी क्या? अच्छा मैं क्या बोल रहा था, मैं आंटी बता रही थी कि तुम्हें डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम डांस क्लास ज्वाइन कर लो। बोलो प्लीज जंगकुक, अब बहुत हुआ, तुम मुझे इन सब बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हो। प्लीज मुझे इतना ज़्यादा स्पेशल फील करवाना बंद करो, सच तुम भी जानते हो कि तुमने मेरे साथ पास्ट में क्या किया था। ते प्लीज, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे साथ ये सब झूठ मूठ का नाटक कर रहा हूँ? मैं खुद को तुम्हारे लिए इतना सारा बदल चुका हूँ और अभी भी बदलना चाहता हूँ, पर तुम हो कि मुझे हमेशा उस गलती के लिए हिट करती रहती हो। प्लीज़ मेरी कंडीशन तो समझो, तुम सोचो अगर तुम किसी से प्यार करती हो और तुम उस इंसान को किसी और के साथ किस करते देख लेती तो तुम्हें क्या बुरा नहीं लगता? ऑफकोर्स लगता ना, उसी दिन मुझे भी वैसा लगा था। प्लीज़ दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, एटलीस्ट तुम समझो तो, अब हमारी शादी को 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया। अगर मैं इतना ही बड़ा कमीना होता तो शादी के बाद क्या मैं तुम्हें छोड़ता? नहीं ना, मैंने तुम्हारी परमिशन के बगैर तुम्हें कभी टच भी नहीं किया, इवन मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं है उस तरीके से, तो तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो जबकि तुम जानते हो कि मैं कॉलेज में प्ले बॉय था, मैं हर रोज़ गर्लफ्रेंड बदलता था अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, पर मैं बदल चुका हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ। मैं लाइफ में तुम्हारे साथ ऐसे ही हैप्पी रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मूवीज देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है क्या मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए ये सब कर रहा हूँ? नहीं थे, मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाओ, पता नहीं कब थे तुम मेरे प्यार को समझ पाओगी। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ़ करोगी या नहीं, पर मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। सो आर्मी, जंगकुक और ते घर से ही अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि ते अब बाहर जाना उसे बंद कर दिया था और जंगकुक अपने डैड के साथ ऑफिस में हेल्प करता था क्योंकि उसने अब शादी कर ली थी। जंगकुक के एग्ज़ाम आ जाते हैं, इसीलिए उन्हें अब कॉलेज जाना पड़ता है एग्ज़ाम को देने के लिए। जंगकुक देखो, कॉलेज में जाकर तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे, तुम मेरे आसपास भी नहीं आओगे, मेरे से बात नहीं करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे तुम्हारे साथ देखें। पर ते सबको तो पता है कि हम दोनों ने शादी कर ली है। हाँ, और सभी लोगों को ये भी पता है कि कैसे तुमने मेरे साथ वो सब किया था, और अब तुम मेरे सो कॉल्ड हस्बैंड हो। ठीक है ते, जैसा तुम बोलो वैसा ही होगा। तो आर्मी फिर ते को कॉलेज चले जाते हैं, लेकिन जंगकुक पहले चला जाता है और ते बाद में आती है। अरे जंगकुक, ये क्या इतनी लंबी लाइन, क्या तुम फिर से? लेकिन तुम तो ते से प्यार करते हो ना, और अब तुम मैरिड हो, प्लीज़ जंगकुक ऐसा मत करो, ते को पता चला ना उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। प्लीज़ शुगा नामजुन, इसे समझाओ इसे कि यहाँ पर मैं क्या करने के लिए आया हूँ। तभी इधर से ते जिन और जिमिन के साथ आ जाती है, उसे लगता है कि जंगकुक फिर से शादी से पहले जो करता था वो सब उसने करना फिर से स्टार्ट करती है, और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ये इंसान ये कभी नहीं सुधरेगा, मुझे पता ही था ये कभी भी बदल नहीं सकता। हाँ जंगकुक बताओ, क्या बात है, तुमने यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या तुम्हें फिर से गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है? नहीं, मैं तुम सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता था, मैंने बहुत गलत किया है, इवन मैंने
सभी लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं यहाँ पर तुम सभी से माफ़ी मांगने के लिए आया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आगे तुम घर जंकुक? जी मैम, एग्ज़ाम कैसा गया? ठीक गया। ते आ गई क्या? हाँ, वो अपने रूम में, पर ते बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आई है। क्या हुआ? क्या क्या वो गुस्से में थी? हाँ, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी वो। आपको बताया उसने? नहीं, मैंने नहीं पूछा। तुम ही जाकर पूछ लो उससे। आज तो मैं गया। ते बेबी, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया? तुमने बोला था कि मैं तुम्हें कॉलेज में तुमसे ना पूछूँ, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। घाट में जाओ तुम, मुझसे क्यों पूछना है तुम्हें? जाओ, जहाँ पर जाना है मरो। ते बेबी, क्या हुआ? गुस्सा हो क्या? बताओ क्या हुआ? तुम पहले तो मुझसे इस तरीके से कभी बात नहीं करती हो, किसी बात से नाराज़ हो क्या? बताओ ना। चंकुक, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ते एटलीस्ट बताओ तो मेरी गलती क्या है, तभी तो मैं समझ सकूँगा ना कि मेरी बेबी डॉल इतनी ज़्यादा नाराज़ क्यों है मुझसे। चंकुक, आई स्वेयर मैं तुम्हें मार दूँगी, जाओ यहाँ से। ठीक है, एज योर विश। सुनो। हाँ बोलो। तुमने तो बोला था कि तुम बदल चुके हो। हाँ मैं बदल चुका हूँ ते। क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आज मैंने तुम्हें फिर से वही सब करते हुए देखा था, लंबी लाइन, और तुम लड़कियों के पास जाकर क्या बातें कर रहे थे ते? ओह, तो तुम्हें लगा कि मैं, ओह शिट, सच में तुम्हें लगा कि मैं फिर से वो सब कर रहा था लड़कियों के साथ? नहीं, मैंने जो लड़कियों के साथ किया है, मैं उनसे बस माफ़ी मांगने के लिए गया था वहाँ पर। मैं सभी लड़कियों से माफ़ी मांग रहा था। सच में ते, मैं अब सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, किसी से भी नहीं। वैसे तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया? तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा हेट करती हो ना। अगर मैं किसी भी लड़की के पास जाऊँ तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया थे? तुम्हें क्या जेलसी हुई? तुम क्या जेलस फील कर रही थी थे? मैं क्यों जेलस फील करूँगी? आखिर मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ? मेरी दुनिया हो तुम थे, मेरी खुशी हो तुम, सब कुछ हो तुम मेरी। मॉम बुला रही है, मैं नीचे जा रही हूँ। वैसे मुझे लगता है आज ते बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि एक मिनट, वो जेलस थी कि मैं लड़कियों के साथ बात क्यों कर रहा था। इट्स मीन कि कहीं ना कहीं वो भी मुझे, मतलब कि वो भी मुझे, हाँ इसका मतलब कि वो भी मुझे कहीं ना कहीं पसंद करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ते तुम्हारे दिल में क्या है वो मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। आखिर तुम कब बताओगी कि तुम्हारे दिल में क्या है मेरे लिए? फैमिली डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हैं। चंकुक, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। कौन सी है माँ, बताइए मुझे? वैसे भी काफ़ी टाइम से मैंने कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। तुम्हें याद है तुम्हारी वो बेस्ट फ्रेंड जेनी? हाँ वो जेनी, पता है मुझे, जो तुम्हारा क्रश हुआ करती थी और जिसे तुम बहुत ज़्यादा लाइक किया करते थे। मॉम ये क्या कह रही हैं आप? वो कल हमारे घर आ रही है। पर क्यों? एक्चुअली मैंने सुना है उसे कोई कोरिया में इंपॉर्टेंट काम है। उसके डैड का कॉल आया था, उसे थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर रहना है, तो मैंने भी बोल दिया कि वो हमारे घर में रह सकती है। पर मॉम आपको पता है ना उसने मेरे साथ क्या किया था? आप फिर भी बेटा, तब तुम छोटे थे, अब तुम मैरिड हो चुके हो, प्लीज़ भूल जाओ उन सब बातों को। मॉम डैड मेरा हो गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अब इससे क्या हुआ? होना क्या है, लगता थे गुस्सा हो गई। इस बार जेनी तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, देखा नहीं ते कितनी गुस्से से यहाँ से गई है? उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लगता है उसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। वेल, मैं भी चलता हूँ। ते, आज का दिन कैसा था? तुमने क्या क्या किया? वैसे आज ऑफिस में ना बहुत ज़्यादा काम था, मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुका था। अब मैंने तुम्हें देखा तो मैं फिर से फ्रेश फील करने लगा हूँ। सो जाओ, कल तुम्हें अच्छा भी तो दिखना है। पर क्यों, कल क्या है? भूल गए, कल तुम्हारा बचपन का प्यार, तुम्हारा क्रश, तुम उससे मिलने वाले हो। ते, वो सिर्फ पास्ट था, तो मेरा फ्यूचर हो, अब मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। ते गुड नाइट। हर बात ऐसे करती हो, कभी तुम उससे बात कर लिया करो ते, हमेशा मुझ पर गुस्सा करती रहती हो। हेलो अंकल आंटी। अरे जेनी तुम? हेलो बेटा, आओ अंदर। आप लोग कैसे हैं? हम अच्छे हैं बेटा, बताओ तुम ठीक हो ना? और तुम्हारे डैड? हाँ अंकल आंटी सब ठीक है। वैसे जंकुक का है? मैं काफ़ी टाइम से उससे मिली नहीं हूँ। अरे जंकुक, बनी तुम कैसे हो? वाओ, इन 5 सालों में तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो। जेनी ये क्या कर रही हो? अरे हम दोनों बचपन के फ्रेंड हैं, प्लीज़ कम से कम मैं तुम्हें हेल्प तो कर ही सकती हूँ। हम 5 साल बाद मिल रहे हैं। जेनी मुझे ये पसंद नहीं है, छोड़ो मुझे।
ओहो बनी, तो ये है इसकी बेस्ट फ्रेंड, सो कॉल्ड क्रश। तुम ते हो ना? हाँ। हेलो, मैं जेनी हूँ। आई नो, इसकी बेस्ट फ्रेंड एंड चाइल्डहुड फ्रेंड। यस, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो, मैं इसका क्रश हूँ। हाई स्कूल में मैं जंगू का क्रश हुआ करती थी। नाइस टू मीट यू। मी टू। चलो जेनी, जंगू तुम दोनों बातें करो, ते हम दोनों किचन में चलते हैं। जेनी दूर से आई है ना, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ओके मॉम। वैसे जंगू, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मैंने जो तुम्हारे साथ किया, पर अब मैं गोल्ड डिगर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बदल चुकी हूँ। अब मैं बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाती, तुम्हें पता है, अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, मैं खुद के दम पर कुछ करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जेनी कि तुम चेंज हो चुकी हो। वैसे अब तुम भी बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। मैंने सुना था कि तुम पहले बहुत ज़्यादा परवीट टाइप के इंसान बन चुके थे, प्ले बॉय, लेकिन अब तुम हस्बैंड मटेरियल बन गए हो। आई लाइक इट। तुम बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी ना, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लो, फिर तुम फ्रेश हो जाना। और जंगकुक, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे? पर मॉम, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। देखो जंगकुक, जेनी इतने टाइम बाद आई है कोरिया, तो आज तुम उसे कहीं घुमाने के लेकर जाओ ना। क्या? मैं इसकी वाइफ हूँ और ये इस जेनी के साथ जाएगा, कहीं ये फिर से इसके प्यार में ना पड़ जाए। पर प्लीज़ जंगकुक, एटलीस्ट इतना तो तुम इसलिए कर सकते हो ना। ठीक है जेनी, तुम रेडी रहना, एक घंटे बाद हम जाएंगे। वे रूम में चली जाती है और पता नहीं क्या क्या सोचने लगती है। आज जंगकुक और जेनी एक साथ जाएंगे, पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं क्यों जलस फील कर रही हूँ? मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो किसी के साथ मर्जी जाए, मुझे कुछ भी नहीं उसे लेना देना। पर नहीं, मैं अपने हस्बैंड को ऐसी लड़की के साथ कैसे भेज सकती हूँ जो उसका बचपन का क्रश रहा हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जेनी जल्दी आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ हाँ बनी, आ रही हूँ। ये इसे बार बार बनी क्यों बुलाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुनो जंगकुक। हाँ ते, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैं लेता आऊँगा, बताओ मुझे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली इम्पोर्टेंट काम था, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी तुम लोगों के साथ चली जाऊँ। ओके ठीक है, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। अच्छा ठीक है, आओ। वेल, ये पहली बार है जब ते मेरे साथ बाहर गई होगी। अच्छा ते, तुम्हें कहाँ पर जाना था? हम तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, बताओ। मैं क्या सोच रही थी जेनी, आज मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम लोगों के साथ ज्वाइन हो जाती हूँ, फिर हम लौटते टाइम मेरा काम कर लेंगे। नहीं ते, हमें एक्चुअली बहुत सारी जगहों पर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं, मैं नहीं थकूँगी जेनी। जंगकुक, बोलो अपनी बेस्ट फ्रेंड से, क्या मैं साथ में चलूँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं ते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनी तुम प्लीज़ चुप बैठो ना। ओके ते, तुम भी हमारे साथ चल रही हो, लगता है ते काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ते कि कहीं ना कहीं तुम भी मुझे लाइक करती हो। वाओ जंगकुक, ये बहुत अच्छी आइसक्रीम है, तुम्हें पता है ये ते की फेवरेट है। ओ जंगकुक, तुम्हारे फेस के ऊपर क्या वो आइसक्रीम लगी है? ओके मैं हटा लेता हूँ। नहीं मैं हटाती हूँ। नहीं जेनी, तुम अपनी आइसक्रीम खाओ ना, कहीं वो मेल्ट ना हो जाए। मेरे हस्बैंड का ध्यान कैसे रखना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। ते, ये तुम क्या कर रही हो? एकदम चुप, मैं कर रही हूँ ना। ओके तुम करो, वैसे भी तुम्हें कौन मना कर रहा है। तो आर्मी, ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है, ते पहले से भी ज़्यादा जेलस फील करने लगती है। वो जेनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसे बहुत ज़्यादा हेट करती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान रहती है, उसको नींद भी नहीं आती। कहीं जंगकुक फिर से ते को छोड़कर जेनी से प्यार न कर बैठे। अब ते ने भी रियलाइज कर लिया था कि वो भी जंगकुक को अब प्यार करती है, पर वो बोलने से कतरा रही थी जंगकुक को। जी मॉम डैड, एक्चुअली हम दोनों तुम्हारे डैड के एक बिजनेस पार्टनर की पार्टी में जा रहे हैं, तो आज का डिनर मत बनाना, और हाँ डिनर करके आराम से सो जाना। ओके ओके मॉम डैड, आप ध्यान से जाइएगा। ठीक है बेटा, और हाँ क्या पता हम रात को वहीं रुक जाए। ओके तुम्हारी चिंता मत करना। जी मॉम डैड। ओके जेनी, गुड नाइट। गुड नाइट ते, गुड नाइट जंगकुक। वैसे बनी, एक मिनट मेरे रूम में आओगे क्या? क्या हुआ जेनी, क्या प्रॉब्लम है? ओ मेरे रूम का एसी काम नहीं कर रहा है, तुम प्लीज़ आकर थोड़ा सा चेक करो ना क्या प्रॉब्लम है। ठीक है जेनी, मैं अभी आता हूँ। ते, मैं अभी आता हूँ। हाँ तुम जाओ, जाकर सो जाओ। फिर ते अपने रूम में चली जाती है। क्या हुआ जेनी, क्या प्रॉब्लम है एसी में? सब कुछ ठीक तो है जंगकुक,
ठीक से देखो ना, वो मुझे लगता है कि इस एसी में कोई प्रॉब्लम है। अभी तो वो नहीं ऑन हो रही थी और पता नहीं अचानक से काम करने लगी। आखिर अब तक वो आया क्यों नहीं? क्या कर रहे होंगे वो दोनों? कहीं वो दोनों नहीं नहीं जंकू कब ऐसा नहीं करता, वो तो मुझसे प्यार करता है ना, वो तो चेंज हो गया है। पर मुझे उस जेनी पर भरोसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चिपकू लड़की है। कहीं वो जंकू के साथ कहीं वो उसे सीड्यूस तो नहीं कर रही? नहीं नहीं मुझे अभी जाकर उसे देखना होगा। जेनी सब कुछ ठीक तो है, मैं जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। रुक जाओ ना जंकू, कहाँ जा रहे हो? वैसे भी तेरे तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होगी, वो सो गई होगी, क्योंकि मुझे पता है वो तुमसे प्यार नहीं करती। प्लीज़ जंकू अब खुद को हर्ट करना बंद करो, जो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती तुमसे नफरत करती है तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो? देखो जंकू मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया था, पर मैं सच बताऊँ तो तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। प्लीज़ जंकू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये तुम क्या बकवास कर रही हो जेनी, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुमने मुझे धोखा दिया था। कहाँ गया तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड जो तुम्हें छोड़कर चला गया? अब तुम्हें मेरी याद आ गई, मैं सिर्फ तेरे से प्यार करता हूँ। नहीं जंकू तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़। देखो मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, तुम कर सकते हो, और तुम चाहो तो तुम देख के साथ रहना ना इस घर में। हम दोनों तुम्हारे फार्म हाउस में रहेंगे, मैं तुमसे शादी भी नहीं करूँगी, पर हम दोनों ऐसे तो रह सकते हैं ना, प्लीज़ जंकू। इतना बोलकर जेनी अपने कपड़े उतारने लगती है। व्हाट जेनी ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज़ बंद करो ये सब, अपने कपड़े मत उतारो। जंकू कब तुमने अपनी आँखें क्यों बंद कर ली? प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना, तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना, और आई नो वो प्यार अभी भी तुम्हारे दिल में जिंदा है। प्लीज़ जेनी ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बंद करो ये सब, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना बोलकर जेनी जंकू को पीछे से हग कर लेती है और बहुत ही ज़्यादा टाइटली। प्लीज़ जेनी छोड़ो मुझे, देखो मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे चीट नहीं कर सकता, हटो मुझसे। प्लीज़ जंकू प्लीज़, ठीक है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते मत करो, एटलीस्ट एक रात तो मेरे साथ बिता सकते हो ना, प्लीज़। डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को हाथ लगाने की? तुमने सोचा भी कैसे, और तू ये क्या कर रही थी? अरे थे प्लीज़ तुम गलत मत समझो जंकू ना, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, देखो ना उसने मेरे कपड़े। बकवास बंद करो। फिर थे जेनी को बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारती है। थे सच में ये जंकू बहुत ही बड़ा कमीना है, वो तुम्हें चीट कर रहे थे, वो मेरे पास आया था और मुझसे कह रहा था कि वो तुमसे खुश नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, और कह रहा था कि वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है। वो जस्ट शट अप, मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड कैसा है, और तुम सुबह होते ही अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाना, वरना मैं तुम्हें निकाल दूँगी, समझी तुम? ते और तुम चलो मेरे साथ, मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम्हें क्या ज़रूरत है उसके रूम में जाने की, पर तुम्हारे सामने तो मैंने उसे बोला था कि मैं आ रहा हूँ, उसने खुद ही तो बोला था कि उसके रूम का एसी ख़राब है, उसे ठीक करने के लिए मैं गया था। ठीक है पर मैं नहीं चाहती हूँ कि आइंदा तुम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो। आई नो ते, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी होगी, मुझे लगा कि वो बदल चुकी है। आई एम सॉरी ते, अगर तुम्हें फिर से हर्ट हुआ हो तुम हमेशा मुझसे सॉरी क्यों कहते रहते हो? क्या तुम्हें इसके अलावा कोई बात नहीं करनी आती? क्या क्या बोला तुमने? मैंने बोला कि तुम हमेशा मुझसे सॉरी क्यों कहते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया ना थे, इसीलिए मैं तुमसे नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर सकता हूँ। सुनो मेरी बात जंकू, सुनो मेरी बात, जब हम किसी से प्यार करते हैं तब हम उसको किसी और के साथ हग करना, बात करना या फिर किस करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मैं ये समझ चुकी हूँ जब से जेनी इस घर में आई है तब से मैं बहुत ज़्यादा जेलस फील करती हूँ। मैं जब तुम्हें उससे बात करते हुए देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे मेरा मन करता है मैं तुम्हें और उस लड़की को दोनों को मार दूँ और उसके बाद खुद मर जाऊँ। तो तुम ये क्या कह रही हो? प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, और मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि तुमने उस दिन जो देखा था तुम भी अपना होश खो बैठे थे, और इसीलिए तुमने गुस्से में आकर वो सब किया मेरे साथ। मैं ये तो नहीं कहती कि तुमने उस दिन मेरे साथ सही किया, लेकिन मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और ये मुझे समझने में 6 महीने लग गए, और जंकू मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जंकू कब तक मुझसे माफ़ी मांगोगे? मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया?
ये क्या कह रही हो तुम? हाँ जाकुक, मैंने तुम्हें बहुत टाइम पहले ही माफ़ कर दिया था। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा नाटक कर रही थी नाराज़ होने का। सच में थे? हाँ जाकुक, थैंक यू सो मच थे कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने जो गलती की है तुम उसके लिए मुझे माफ़ करोगी। ऐसी बात नहीं है जाकुक, मुझे पता है जब हम कॉलेज जाया करते थे कैसे तुम मुझे हमेशा फॉलो करते थे, मेरी तरफ देखते रहते थे। और एक दिन मैं कॉलेज आ रही थी, तुम स्मोक कर रहे थे और मुझे देखकर तुम टर्न ऑफ हो गए। जब मैं घर जाती थी तो तुम मेरे पीछे पीछे जाया करते थे ताकि मैं सेफली घर पहुँच सकूँ। कैंटीन में तुम मुझे छुप छुप कर देखते थे, इसका मतलब कि तुम्हें पता था। हाँ जंकुक, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था? मुझे सब पता था जंकुक, मैं बस नादान बनने का नाटक कर रही थी। और तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें छुप छुप कर देखा करती थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी जब तुमने सुबह से झूठ बोला था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे। लेकिन जब तुम मेरे घर में आए थे विंडो से और तुमने अपनी सारी फीलिंग्स बताई तब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था और मैं फिर तुमसे गुस्सा नहीं थी। और उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगी, तुमने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हें एक चांस दूँ। उस दिन उस क्लासरूम में मैं तुमसे वही कन्फेस करना चाहती थी, अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी जंकुक। ते मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे लाइक करती थी और मैंने पता नहीं क्या समझ लिया, तुमने कुछ किया भी नहीं और मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत कर दिया। ऐसी बात नहीं है जंकुक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी और करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उस दिन जो तुमने मेरे साथ किया वो तुम जोर ज़बरदस्ती से करते। अगर तुम मुझसे प्यार से करते ना तो मैं तुमसे कभी भी गुस्सा नहीं होती, लेकिन तुमने मेरे साथ नहीं होते। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और तुम मुझे डिज़र्व नहीं करती हो, तुम मुझसे भी बेटर डिज़र्व करती हो। तुम फिक्र मत करो ते, मैं तुम्हें और नहीं घुट कर जीने दूँगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा ताकि तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सको। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे बगैर अपनी लाइफ को जी सकती हूँ? जंकुक आई लव यू, समझे तुम? और तुम सिर्फ मेरे हो ते, आई लव यू टू। तुम्हें नहीं पता ये सुनकर मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ। ते मैं तुमसे क्यों प्यार करता हूँ? क्योंकि तुम सबसे अलग हो, तुम बाकियों की तरह गोल्ड डिगर नहीं हो। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना रिच हूँ, बाकी लड़कियाँ मुझ पर इसलिए मरती हैं क्योंकि मैं रिच हूँ, वो मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करती हैं। और मुझे पता है कि तुम उनमें से नहीं हो, इसलिए ते आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। आई लव यू जंकुक, मी टू माई लव, आई लव यू 100 times मोर जंकुक। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करें एक नए लम्हों से। हाँ ते, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम्हें अपनी प्रिंसेस बना कर रखूँगा, तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा मैं जंकुक। क्या हम एक, हाँ ते बोलो, रुक क्यों गई? अच्छा मैं समझ गया ते, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर मैं पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ, तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल दिया ते। मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें हग करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हंसना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब मैं ऑफिस जाऊँ तुम मुझे कॉल करो और मुझसे फाइट करो कि मैं किसके साथ कॉल पर बिजी था। मेरा वेट करो जब मैं ऑफिस से घर आऊँ, मुझे हबी बुलाओ, हम दोनों साथ में एक दूसरे का सुख दुख में साथ दें। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर जंकुक, मैं चाहती हूँ कि हम आज रात एक हो जाए। नहीं थे, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। जब भी मैं उस बारे में सोचता हूँ मेरी रूह कांप जाती है, मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता। और वैसे भी मुझे अब ये सब पसंद नहीं है, मैं पहले बहुत बुरा था, सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं जंकुक, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारा हक बनता है मुझ पर मुझे प्यार करने का, मुझे खुशी देने का। क्या तुम मुझे वो प्यार नहीं दोगे जो एक वाइफ ही अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है? ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, पर उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। कुछ नहीं होगा जंकुक,
और उस दिन जो तुमने मेरे साथ किया था वो तुमने अपनी जरूरत पूरा करने के लिए नहीं किया था, मुझे पता है तुमने दिल से किया था क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, लेकिन मुझे पता है उससे ज़्यादा भी तकलीफ तुम्हें हुई थी उस दिन। मैं समझ सकती हूँ जिसे हम प्यार करते हैं अगर हम उसे किसी और के साथ देखें और वो भी किस करते हुए तो हमारा रिएक्शन कैसा होगा। अगर मैं भी होती ना तो मैं तुम्हें बहुत बुरा बुरा भला बोलती, तुम पर भरोसा नहीं करती। रिलैक्स जंक, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम तो कॉलेज के प्ले बॉय थे, अब इतने ज़्यादा इनोसेंट क्यों हो गए हो? मुझे मेरा पहला वाला प्ले बॉय चाहिए। प्लीज जंकुक, तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो गई हो, तो फिर अपनी नोटी वाइफी की विश को पूरा करो ना। ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो, उसके बाद मत बोलना कि तुम ठीक से चल नहीं पा रही हो। मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि तुम हो मेरे पास मुझे कैरी करने के लिए। ओके थे, तो अब हमें हमारा काम शुरू कर देना चाहिए ना, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को और ज़्यादा वेट नहीं करवा सकता। Baby doll, your boobs damn hot, and also milky. Can I suck your boobs? Yes, daddy. I am yours, and my body is your. Please don't asking me. Just take it, baby. Your pinky nipples is so tasty. क्या मैं तुम्हें मसाज दूँ? तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा. Yes, daddy. Give me best massage. No, baby doll. It's not only massage. You can call boobs massage. Ah, daddy. You are best. No, baby doll. You are so tight and sexy. Can my baby could go up to me release karo? Yes, daddy. Wait, mat karo mujhe. Okay, baby. प्लेजर फील करने के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। जंकुक, नो बेबी, आई एम योर डैडी। यस डैडी, फास्टर प्लीज, फास्टर एंड डीपर। यू आर सो हॉट डैडी, बट आई लाइक इट योर टच। नो बेबी डॉल, यू आर अमेजिंग एंड यू आर सो टाइट। जंकुक, प्लीज बी जेंटल ना। तुमने तो बोला थे कि तुम्हें फास्टर और डीपर पसंद है, तो थोड़ा पेन तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा ना। वैसे तुम्हारे मॉन्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो तुम पे, आई मीन माई बेबी गर्ल। जंकुक बस करो, सुबह हो गई है, मैं बस भी कर देना चाहिए। नहीं बेबी गर्ल, मैं बस नहीं करूँगा। प्लीज जंकुक, अब मैं थक चुकी हूँ, प्लीज। ओके, तुम सो जाओ बेबी डॉल। और हाँ, मैंने कहीं तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं दिया? नो डैडी, वैसे इस पेन में भी प्यार है। ओके, तुम सो जाओ। सुबह हो गई, वैसे वो जेनी यहाँ से चली गई होगी, मैंने उसे बोला था कि वो सुबह यहाँ से चली जाए। और माई हस्बैंड सोते वक्त कितने ज़्यादा क्यूट लगता है ये। वैसे रात को हम दोनों ने बहुत ज़्यादा नॉटी हरकतें की, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। मैं इतनी ज़्यादा नीटी कैसे बन गई? मेरी वाइफ उठ गई। गुड मॉर्निंग माय लव। जंकुक तुम उठे हुए हो? हाँ मैं अभी उठा था। वैसे कैसी रही तुम्हारी लास्ट की नाइट? यू एंजॉय? तुमने एंजॉय किया? हाँ मैंने एंजॉय किया, पर अब मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैंने बोला भी था बी जेंटल, तुम जेंटल तो नहीं रहे। अब तुम इतनी ज़्यादा हॉट तरीके से मुझे एक्साइटेड कर रही थी, तो मैं भला कैसे जेंटल रहता? वैसे बेबी तुम बहुत ज़्यादा हॉट लगती हो। जंकुक प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। ओ शर्म आ रही है, रात को कहाँ गई थी वो शर्म? जब तुम नीली बन रही थी और कह रही थी कि डीपर एंड फास्टर। जंकुक प्लीज, तेज मत करो मुझे। ओके ओके, वैसे बेबी तुम तो सिर से लेके पांव तक हॉट हो, पर तुम्हारे मेरे क्या कुछ नहीं बताओ क्या? अरे नहीं मैं नहीं बोलूँगा, बताओ ना मेरे क्या
कुछ भी नहीं, बोलो ना, बताओ मुझे। मैं ये कहना चाहता था कि तुम्हारी जो ब्रेस्ट के बीच में दिल है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। चंकू बंद करो अपना मुँह। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से उठो, मॉन्ट्रेट आने वाले होंगे। ठीक है, अरे कहाँ जा रही हो, फ्रेश होने। लेकिन मेरी गुड मॉर्निंग किस तो दो। हाँ चंकू, तुम कैसे बोल सकते हो, हम सुबह तक तो, पूरी रात से लेकर सुबह तक तो सोए नहीं ना। हाँ लेकिन अब मुझे गुड मॉर्निंग किस चाहिए। ठीक है। रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। देखो ना गाइस, लगता भी कल की बात थी, हम कॉलेज में थे और देखते देखते हम तीनों की शादी भी हो गई और हम तीनों के बेबी भी हो गए। अब हमारे बच्चे स्कूल जाने के लायक हो गए। सही बोला। अरे चंकू, हमें नहीं पता था कि ते तुम्हें इतना चेंज कर देगी। क्यों, मैं क्या इंसान नहीं हूँ, मैं अपनी ते बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब फिर से शुरू मत हो जाओ, यहाँ पर बच्चे भी हैं। वैसे जॉनी और जिमी, तुम दोनों भी कुकी के स्कूल में पढ़ते हो ना, इसका मतलब कि तुम दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त होंगे। जिमी का तो नहीं पता डैड, पर डैड आपको पता है, ये कुकी, ये ना मुझे प्लीज़। जॉनी प्लीज़ चुप करो, मैं बताती हूँ अंकल। ये कुकी है ना जो, ये स्कूल में सभी लड़कियों को चॉकलेट्स देता है और चॉकलेट्स के बदले वो सभी गर्ल से किसेस मांगता है, उनसे ये किस ही लेता है। बेबी बताओ क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें। डैड मुझे इस घर में नहीं रहना, आप एक नया घर खरीद लीजिए ना, मुझे वो चाहिए इस बार बर्थडे में। पर क्यों बेटा, इस घर में क्या प्रॉब्लम है। डैड रात को ना आपके रूम से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, हमारे घर में भूत रहता है इसीलिए रात को इतनी जोर जोर से आवाज़ें आती है चिल्लाने की। छोड़ दो ना, और अगर करना भी है तो सोच समझ के, तुम्हारे घर में बेबी है। अच्छा क्या तुम लोग अपनी बीबियों के साथ नहीं करते, मुझे ऐसे क्यों देख रहे। चंकू चुप करो, कितने ज़्यादा शेमलेस हो तुम। मेरी वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो आप कंफ्यूज मत होना, वीडियो में देख के दो दो डैड बन गए, एक्चुअली वो मुझसे गलती से हो गया था, पहले उसका डैड ली बन गया और उसके बाद कोई और, तो आप एडजस्ट कर लेना। एंड इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा शेमलेस होना पड़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।